कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश के लगभग हर जिले में पदयात्रा निकाली। भिलाई में भी भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि हर भारतीय इस बात को समझता है कि पिछले समय में कितना धोखा केंद्र की सरकार ने लोगों के साथ, युवाओं के साथ किया है। भारत जोड़ो यात्रा की व्यापकता को भारतीय जनता पार्टी न पहले समझ पाई थी, न आगे आने वाले भविष्य में समझ पाएगी। देखिए, ऐसा है कि हर भारतीय इस बात को समझता है कि पिछले समय में कितना धोखा केंद्र की सरकार ने लोगों के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, किसानों के साथ किया है। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? ये जो 2 करोड़ सालाना जॉब, उसकी मांग को लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं, उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो किसान हमारे अपने जो मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा थी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा की व्यापकता को ना भारतीय जनता पार्टी पहले समझ पाई है, ना आज समझ पाएगी, ना आने वाले भविष्य में समझ पाएगी, क्योंकि उसका वो दृष्टिकोण ही नहीं है। दृष्टिकोण जो जनता का है, जो भारत के संविधान का है, जो भारत के हर एक आदमी की आवाज़ है, जो हर एक व्यक्ति की आवाज़ है, उस व्यक्ति की आवाज़ भारत जोड़ो में दिखती है। और ये समानता, प्रभुता, आपसी प्रेम व्यवहार, सद्भाव और प्रगति के लिए यात्रा की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटका से यात्रा निकली, आप जानेंगे कि जिस जिस जगह से ये यात्रा गई है, उस सब जगह पर कांग्रेस बहुत मजबूती से जीत के आई है और जनता में कांग्रेस को लेकर समर्थन। विधायक देवेंद्र यादव द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जिनको भारत से परहेज है, जो कैबिनेट की मीटिंग के बगैर ही भारत पाकिस्तान की सीमाओं को तय करके आए थे, क्योंकि उनको सिर्फ भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जिनको भारत के नाम से परहेज है, और वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो कैबिनेट मीटिंग के बगैर ही भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को डिसाइड करके आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनना था, जो कि गांधी जी को भी नहीं बताया गया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो वर्ग से वर्ग को अलग करते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। 2014 में 153 जो प्रॉपर्टीज थी, वो वक्त रिपोर्ट को दे के आ गए थे। कब? जब सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बचे हुए थे आचार संहिता लगने में, तब मनमोहन सिंह जी ने साइन किया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। अरे, भारत को जोड़ना है तो ये देखिए कि भारत विश्व के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग जो अलग अलग देश की जो प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे आके हमारे भारत के साथ जोड़ते हैं और कैसे हमारे कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, कैसे हमारे कल्चर के साथ सहभागिता करते हैं, उसको बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा। आपको तो भारत के नाम से परहेज है। आप खुद धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। धर्म निरपेक्षता वाला ऐसा कौन सा काम किया है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। और आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। और भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा।